है, सलाम कर जी, सलाम कर ना, सलाम कर, यूट्यूब दासी तू तो फिर तक तो लोग देख सन ना, सदो के खल, सदो खल, सारे को चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ तू आ फेरा आ जी इंशाल्लाह चैनल को स्टेप करो सेव ना करो चैनल को सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो भाई चैनल को गुड हो गया। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज सुबह का टाइम है, अभी 8 बज रहे हैं, मैं शॉप की तरफ जा रहा हूँ और मेरे पास आज बाइक भी नहीं है और मैं पैदल जा रहा हूँ। क्या सिचुएशन होगी, क्या काम होगा आज पूरा दिन, तो वीडियो के साथ जुड़े रहें। और चैनल पर जो नए हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें। तो शुरू करते हैं आज की खूबसूरत वीडियो। तो व्यूअर्स, अभी मैं जो है घर से निकला हूँ, ये जो है ज़मीन में जो है बंदे काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने जो है यहाँ पर ये जगह बना रही है, यहाँ पर लहसुन लगाएंगे और ये जगह बन रही है अभी ये, और यहाँ पे भी लगेगा लहसुन और लहसुन के बाद इसी जगह में फिर लगेगा इंशाल्लाह टमाटर। और इस तरफ आप देख सकते हैं जी ये ज़मीनों के अंदर जो है हल चलाई हुई है, और ये हल इसलिए चलाई है कि इसमें अभी जो है गंदम की फसल जो है वो अभी हम लोगों ने कर दी है, तो ये गंदम जो है वो तैयार होगी तकरीबन मार्च अप्रैल के महीने में। ये आप देखें इस तरफ जो है ये एक खेत, ये है एक, ये है एक, ये है, इन तीनों में जो है गंदम की फसल हम लोगों ने बोई हुई है और इंशाल्लाह जो है ये तैयार होगी। बाकी इस तरफ की जो उस तरफ की जो ज़मीनें हैं ये इसके साथ में, तो वहाँ पर भी हल चला के छोड़ी हुई है, इंशाल्लाह वो भी कुछ ही दिनों में जो है उसके अंदर जो है गंदम की फसल निकलेगी, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। मौसम की सूरत हाल आपको बताता चलूँ कि मौसम जो है वो इस वक्त ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, हल्की हल्की जो है वो सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, ज़मीनों में जो है कुछ में जो है राजा हल चलाई हुई है, और ये जो ज़मीनें हैं ये वो ज़मीनें हैं जिसमें, तो कुछ दिनों पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था कि इस ज़मीनों में जो है सलाद की फसल होती है और सर्दियों में ये जो ज़मीनें हैं इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें इन्होंने जो है ना हल चला के तो छोड़ देते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरी जगह नज़र आ जाएगी यहाँ से, ये जितने भी ज़मीनें हैं इन सब में हल चला के, राजा हल चला के छोड़ देते हैं। राजा हल से ये होता है कि ज़मीन जो है वो अंदर से बिल्कुल जो है गैस वगैरह निकल जाता है, सर्दियों में उससे गैस निकलता है, और सर्दियों के बाद जो है जब मार्च अप्रैल के महीने में फिर दोबारा से हल चला के इसको बेहतरीन किया जाता है। सुबह सुबह का टाइम है और ये जो भेड़ बकरियों वाले हैं ये यहाँ पे इन्होंने डेरा लगाया हुआ है, और ये अभी लेके जाएंगे आगे कहीं पे चरवाने के लिए, वहाँ से फिर वापस जाएंगे, इन्होंने एक जगह अपना डेरा रखा हुआ है। फिर आप देख सकते हैं छोटा सा रास्ता है और यहाँ पर जो है ये बकरियाँ जो है यहाँ पर आकर फंस चुकी हैं, अब यहाँ पर इनको देखिए जी, यहाँ पर जो है ना जगह बिल्कुल इनके पास नहीं है, लेकिन उन्हें यहाँ से जाना ज़रूरी होता है। A few hours later. खैर जी, anyways हो गया, आपको वेलकम बैक। अभी मैं आया हूँ जी यहाँ पे, बच्चों के लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें लेनी है, वो देखते हैं। ये देखें जी, पटा लगा हुआ है, इसमें सामान लगा हुआ है, और ये हमारे कैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है, अच्छी है, मज़े बच्चों, कैसा है छतरपलान का मौसम? ज़बरदस्त। अच्छा, दसो ना कि ब्रश भी भर गया, उससे बारी भी दसो थोड़ा जा, उससे बारी भी के दसो कि बस अपना ख्याल करो जी जी, सेहत का खसूस ख्याल करो, बिल्कुल सेहत का, मौसम बदल रहे, ठंडे पानियों को लोग रेस्ट करो बिल्कुल, और पानी नीम गर्म करके पियो, पानी मकदार भी थोड़ा ज़्यादा पियो, क्योंकि आजकल लोग ठंड की वजह से पानी काट पी रहे हैं, ज़्यादा पानी को थे पी सकते हैं जी, और आजकल ज़्यादा पानी कौन पीने, सब तो मैं आप ना पीना, ठीक है जी, ज़्यादा पानी पी के तो समझ आज का मतलब ये कि वक्त वक्त नाल उसको पियो ताकि जिसम बिच पानी की कमी ना हो, और दिसंबर का महीना आ गया ना, तो मार्च में पानी पीसा, ठीक है। अच्छा, हां तो सिखाते इस बारे में, मार्च में पानी बने बगैर के ना, मार्च पे ओ फिर तो मार्च वाला पानी पीसो ना, मैं तो बताऊंगा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी का जेड़ा पानी है ना, तो इसमें कमी ना आने दो, क्योंकि आए रोज फिर बीच यारकान और मुख्तलिफ पेट के अमराज का शिकार होने बंदा,
और साफ पानी पीने की कोशिश करो और कम खाओ, कम खाना सेहत है, ज्यादा खाना जो बंदे को खुद खेंदे फिर परहेज इलाज को बेहतर है। बेहतरीन जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत A few moments later. आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने आबाई गांव हरनक शरीफ, जहाँ पर मेरे आबा व अजदाद रहा करते थे। तो आपको मैं दिखाता हूँ व्यू, तो देखें जी, यह है व्यू हमारे गांव का, ज़बरदस्त किस्म का हमारा गांव है। और ये सामने जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये वाली मस्जिद के पीछे जो है मेरे दादाजी का घर हुआ करता था। और उसके बाद जो है ये तो तकरीबन 20-25 या 30 साल के पहले की बात है। और ये ऊपर जो घर है ये वाला, ये मेरे सबसे बड़े चाचा का था। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त, ये भी मेरे चाचा का घर है। और इस जगह पर जो है उनकी जो भैंसें होती थी उनकी जगह होती थी। और उसके अलावा जो है ये खेत हैं इस तरफ, ये आप देख सकते हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहे, दरख्तों के पीछे हैं। और इस तरफ जो है ये सारे खेत हुआ कर रहे थे, यहाँ पे उनकी जो है भैंसें वगैरह, यहाँ पर माल मवेशी उन दिनों में जो है लोग ज़्यादा रखते थे। और ये सारी ज़मीनें उनके पास थी। अभी जो है जितने भी बुज़ुर्ग लोग हैं वो यहाँ से चले गए, और जो बच्चे हैं, बच्चे लोग हैं, तो उन्होंने ये जगह छोड़ दी, किसी की जॉब होगी, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। देख सकते हैं आप जी, पहाड़ों पर बर्फ़बारी हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। और कुछ ही दिन, 4-5 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो ये पहाड़ों की चोटियों पर यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ़बारी हुई थी। और बाकी जो मौसम है इस वक्त बिल्कुल खुश्क है और बिल्कुल साफ़ सुथरा बेहतरीन मौसम है। और चलें जी शुरू करते हैं आज की वीडियो, क्या क्या सीन है आज वो सारे साथ शेयर करेंगे। खैर जी, एनीवेज अभी हो गया वेलकम बैक। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने खेत में, और यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की जो है सब्ज़ी उगी हुई है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर जो है सिर्फ सिर्फ इस जगह में यहाँ पर लहसुन लगा हुआ है। और ये पूरे का पूरा खेत, पे यहाँ से आप देखें, आपको पूरे का पूरा खेत नज़र आएगा। ये जो है पूरा का पूरा खेत है, वैसे तो ये बहुत बड़ा खेत है यहाँ पर इस तरफ। और ये देखें जी, इस जगह में सिर्फ और सिर्फ लहसुन लगा हुआ है, यहाँ तक लहसुन है। और यहाँ से आगे जो सब्ज़ी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, लेट्स गो। तो यहाँ पर जो है इस जगह में जो है यहाँ पे हैं शलजम, और शलजम अभी हमने एक दो निकाले थे, वो आप देख सकते हैं। ये जी, ये एक शलजम है, इसका साइज़ जो है ये मेरे हाथ को देख के आप लगा सकते हैं, कम से कम 1 किलो या 2 किलो का कम से कम ये एक शलजम होगा। और ये जो है ये कम से कम 0.5 किलो से ऊपर यह केला है। इसी तरह जो है ये कुछ लगे हुए हैं, कुछ जो है अभी इसके अंदर, जिसके अभी यहाँ पे नहीं है। और ये हैं जी इसके नीचे। खैर, तो यहाँ पर लगा हुआ जी सारे के सारी जो है शलजम। और इसके साथ यहाँ पर है जी धनिया, ये आप देख सकते हैं, जो अभी बड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये आप देख सकते हैं जी धनिया। और ये धनिया और धनिया के साथ जो है ये सारा, ये लाइन पे जितना भी लगा हुआ ये सारे का सारा धनिया। और धनिया के साथ में जो है इनाल की चीज़ें उतल रहे, पालक। और ये जी, ये है पालक, अभी इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मौसम सर्द है, तो सर्दी की वजह से इसकी ग्रोथ थोड़ी कम है। यहाँ पे थोड़ी सी धनिया है, यहाँ पर ये सारी पालक है। और इसके बाद जो है थोड़ा सा ऊपर आए तो ये सारी है कड़म, ये जितना भी है ये सारे का सारा यहाँ तक, ये सारा कड़म। कड़म की डिमांड ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो है कोई ना कोई आता है
और कोई ना कोई रिश्तेदार आते हैं, हमारे गांव के लोग आते हैं, उनको जो है ये ऊपर से जो है बहुत सारा उन्होंने हटा दिया है। करीब से आप देख सकते हैं, उसके अलावा जो है यहाँ से ऊपर जो है ये है मूलियाँ, और यहाँ पर जो है शलजम भी है, और यहाँ से ऊपर ये देखें जी, ये हमारा फसल जो है इन दिनों का। और मार्च अप्रैल में जो है वो अलग चीज़ें होती हैं, मार्च अप्रैल में जो है वो टमाटर वगैरह इस तरह की सब्जियाँ जो है वो उगाई जाती हैं। खैर एनीवेज, हमारा फसल, हमारे खेत आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। एक वो है सालन भर कम से कम 200 से 300 रुपये खर्च आते हैं। की सब्ज़ी अगर है तो आपको घर में जो है ना आपको खर्चा हो सकता है। तो व्यूअर्स, आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि इस तरह की सब्ज़ियाँ जो है हर व्यूअर को मैं मशवरा दूंगा कि वो इस तरह की सब्ज़ियाँ उगाएं अपने घरों के पास, अपने ज़मीनों में, और अगर थोड़ी सी जगह भी है आपके पास अपने घर के पास, हम तो गाँव में रहते हैं, ये हमारी ज़मीनें इस तरह की ज़मीनें होती हैं, आप देख सकते हैं ये इस तरह का, अभी इस वक्त तो हमारे ज़मीन में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़मीनों में जो है इस तरह की सब्ज़ियाँ उगाया करें। पिछले 3 महीनों से हम लोग जो है यानी कि बाज़ार से हम लोग ज़रूरत का थोड़ा बहुत वगैरह लेके आते हैं, बाकी कुछ भी जो है हम लोगों ने सब्ज़ियों में से कुछ भी जो है हमने बाज़ार से नहीं लाया, तो घर का गुजर बसर इससे हो जाता है। और इस महंगाई के दौर में जो अभी जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, उस हिसाब के से आप देख सकते हैं कि ये जो है इंसान की ज़िंदगी के लिए और वक्त गुजारने के लिए और ज़िंदगी बसर करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन एक सब्ज़ी जो है अपनी लगाई जा सकती है। तो कोशिश करें, हर जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो सब्ज़ियाँ लगाएँ ताकि आपका गुजर बसर और आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त इससे गुजर सके।